ए की वैल्यू 60 डिग्री और बी की वैल्यू 30 डिग्री ठीक है जी सो अब इस केस में अगर हम निकालें साइन ए प्लस बी तो क्या आएगा हमारे पास वी हैव है 60 प्लस बी है 30 सो दिस इज साइन 60 प्लस 30 इज 90 साइन 90 डिग्री हमारा होता है वन ठीक है अब अगर हम बात करें साइन ए प्लस साइन बी की तो वो भी वन आना चाहिए So करके देख लेते हैं साइन ए है सिक्सटी साइन बी मतलब बी है हमारा ये तो वन के इक्वल नहीं है सो so यहीं से हमारे पास आ गया कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स ठीक है ऐसा नहीं होता कि साइन ए प्लस बी इक्वल होगा साइन ए प्लस साइन बी ठीक है नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज कह रहे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे तो यहाँ पे करके देख लेते हैं देखो साइन थीटा की वैल्यूज लिखते हैं सबसे पहले जीरो डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो साइन जीरो डिग्री कितना होता है जीरो जीरो के बाद हम आते हैं थर्टी डिग्री पे तो ये हो जाता है वन अपॉन 30 डिग्री के बाद हम आते हैं 45 डिग्री पे तो ये हो जाता है वन अपॉइन रूट टू देव के बाद हम आते हैं सिक्सटी डिग्री पे सो तो ये हमारा हो जाता है रूट थ्री अपॉइन टू देन हम आते हैं नाइन्टी डिग्री पे तो ये हो जाता है वन ठीक है ना जी सो देखो अब जैसे जैसे थीटा बढ़ा जीरो से थर्टी हुआ थर्टी से फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव से सिक्सटी सिक्सटी से नाइनटी तो ये इंक्रीज हो रहा है साइन थीटा की वैल्यू भी पहले जीरो थी वन अपॉइंट टू हो गई मतलब जीरो समथिंग समथिंग

उल्टा कर दो मतलब और अब इसमें सारा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं सिंपल देख लो थीटा, मतलब जीरो डिग्री होता है वन और फिर कॉस नाइनटी डिग्री होता है जीरो तो वैल्यू तो कम हो गई थीटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू बढ़ी लेकिन थीटा की वैल्यू कम हो गई सो ये स्टेटमेंट कॉस थीटा के लिए फॉल्स ठीक है इसमें जैसे जैसे हम ये डिग्री बढ़ा रहे थे वैल्यूज बढ़ती जा रही थी लेकिन कॉस्ट में उल्टा हो रहा है जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ा रहे हो वैल्यूज कम होती जा रही है वन से शुरू हुआ था और जीरो पे पहुंच गया ठीक है ना सो so ये था थर्ड पार्ट नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस्ट थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिल्कुल गलत है अभी हम देख के आए हैं सिंपल पहला एग्जांपल ले लो साइन जीरो डिग्री कितना होता है जीरो और कॉस जीरो डिग्री क्या होता है वन तो यही से ही मिल गया कि नहीं भैया ट्रू नहीं है सारी वैल्यूज के लिए थीटा इक्वल नहीं होता लेकिन हाँ एक वैल्यू है जो कि हमारा 45 डिग्री जिसमें हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल होते हैं बट दैट्स नॉट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा तो ऐसा तो ट्रू नहीं है सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर इक्वल्स टू जीरो डिग्री फाइन कर लेते हैं कॉट ए को आई कैन राइट कॉस अपॉन साइन लिख सकती हूं मैं करेक्ट जी तो कॉस ए तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए एंड वो बोल रहे हैं जीरो डिग्री तो कॉस जीरो डिग्री अपॉन में साइन जीरो डिग्री क्या होता है हमारा कॉस जीरो होता है वन अपॉन में साइन जीरो होता है जीरो सो दैट मीन दिस इज

Share the videos with your friends also. Bye bye for now.